अरे ये गली में शोर कैसे सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को मार रहा हो, है ना? हाँ। ए, मिंटू, मिंटू है ना वो लफंगा बदमाश जिसने गुंजन पे एसिड फेंका था, अब लोग उसी को मार रहे हैं। उसके घर से उसे घसीटकर लोगों ने जो पीटना शुरू किया है अब तक रुके नहीं है। कुछ टीवी कैमरा वाले भी वहां पहुंचे हैं। अरे अब तक तो टीवी पर दिखाना शुरू भी किया होगा उन्होंने। ब्रेकिंग न्यूज, हिडन कैमरा ने एसिड अटैकर का भंडा फोड़ा। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के बाहर एक नौजवान ने एक मासूम लड़की पे तेजाब उछाल दिया। बाइक पे फरार होने से पहले एक हिडन कैमरा ने उसका चेहरा कैद कर लिया। एक अज्ञात व्यक्ति ने इसे इंटरनेट पे अपलोड करके मिंटू के अमान्य पाप को सबके सामने पेश कर दिया है। ध्यान से देखिए इस दरिंदे के चेहरे को। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। से बैठो कुंजन, तुम अभी कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अब भी उससे लड़ सकती हूँ अगर वो मेरे सामने आता है। रिलैक्स, पुलिस कानून कॉलेज अथॉरिटी सब है ना उसे सजा देने के लिए। तुम प्लीज रिलैक्स करो, यू नॉट वेल, कम ऑन। नमस्ते। नमस्ते। हमारी बहू रचना कैसी है? सब फिट एंड फाइन तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप अंदर आइए ना, आइए। हे भगवान, हमारा तो सुनते ही ना जी सूख गया था, हमें तो समझ ही नहीं आया। ये सब रचना बिटिया की कॉलेज में हुआ है, आप लोगों को पता है ना? अरे गए जिसका डर था वही हुआ, कहीं सबके चक्कर में हमारी रचना की मंगनी ना टूट जाए। हाय हाय दीदी, शुभ शुभ बोलिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रचना एकदम ठीक है, हम अभी बुलाते हैं उसे। रचना, रचना बेटा जल्दी आओ। अब आप कुछ लेंगे? कुछ शैल जी, वो आपकी सिस्टर की बेटी, अब वो भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती है ना, उसे भी बुला दीजिए, हम जरा पूछ लें उससे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। दिल को तसल्ली हो जाएगी, लड़कियों को अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी। बुलाइए तो जी। वो तो अभी नहाने गई है। और बाबा बाबा, वो तो इतना समय लेती है ना नहाने में कि बस। शैल बहन जी, हमें ना जरा वॉशरूम जाना है, चलिए रचना के रूम में चलते हैं। चलिए ना, चलिए। लेकिन चलिए, हमें रास्ता पता है।
देखिए हमें पता चला है कि आपके ही मोहल्ले के किसी लड़की के साथ मिंटो का चक्कर चल रहा था। मैं आपकी बेटी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वो उस लड़की को जानती है? क्या पता वो उसे देखी होगी कभी आपके ही इस मोहल्ले में या फिर कॉलेज के आसपास। बहुत हद तक मुमकिन है कि जिस लड़की के ऊपर अटैक हुआ वो वही हुआ। देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस लड़की तक पहुंचे और उसे इंसाफ दिलाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्चिया सर झुकाकर कॉलेज जाती और सर झुकाकर घर चली आती, भला आस पड़ोस के लड़कों से उन्हें क्या लेना देना? ना ही वो किसी से कॉलेज में बात करती है, ना किसी के साथ उनका उठना बैठना है। वो कुछ नहीं जानती। लेकिन अगर इंस्पेक्टर साहब हमें कुछ भी पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। चलो देखा, इसीलिए पॉइंट पॉइंट पे हम कहते रहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें घर गृहस्थी के काम सिखाइए। आगे चलकर जस्ट यही तो काम आना है। बट हाँ, उस लड़की के लिए हमें जरा फील हो रहा है, हे भगवान, तेजाब से मुंह जलना, पूरी जिंदगी उस जले के निशान के साथ, उस दाग के साथ। बस एक बात की रिलीफ है कि हमारे घर की लड़कियों को कुछ नहीं हुआ। अरे दूसरों की लड़कियों से हमें क्या लेना देना जस्ट? हाँ ताई जी, आपको कुछ घबराहट सी नहीं हो रही? मेरा मतलब है, देखिए ना, बाहर शोर बढ़ रहा है अभी तो, मतलब लोग सिर्फ नारे लगा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं लोग मार पिटाई या दंगे फसाद पे ना उतर आए। हे भगवान, हमें तो ये मारपीट दंगे फसाद से बहुत डर लगता है, हमारा जी घबराता है। बहन जी हम तो चलते हैं, आप रचना से कह दीजिएगा कि कॉलेज में अपना ध्यान रखे। हाँ जी जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, आपको कैसे पता लगा कि मेरा हलवा खाने को मन कर रहा था? ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें पता था कि ताई जी का बहुत मन है मिंटू को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अरे ताई जी आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज, अब सब हो गया ना ताई जी? हमारा बेटा हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा होशियार और बहादुर निकला। बेटा ये सब जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। मुजरिम को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, ये बात हमें दिन रात खाई जा रही थी बेटा, लेकिन तुमने जो गुंजन के लिए सोचा उसके लिए किया है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है बेटा हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। अरे ताई जी ये सब कह के आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? पाप और पापी बहुत देर तक दुनिया की नजरों से छुपते नहीं है। लेकिन ताई जी ये सब आपको कहा किसने? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।